हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में आज हम बात करेंगे आपके एक और इम्पोर्टेंट यूनिट की, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपका डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर। डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर से भी आपके इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर अगर मैं टोटल क्वेश्चंस काउंट करके बताता हूँ तो आपके पास मोर देन यहाँ पे 50+ क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। यहाँ पे हम हर क्वेश्चंस को उसके विद कॉन्सेप्ट के साथ कवर करेंगे, ताकि आने वाले अपकमिंग इयर्स में आपको काफी हेल्प मिल सके। क्लियर है? यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इसके पार्ट फर्स्ट की। जैसे ही आपका पार्ट फर्स्ट क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद हम पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड को भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे। आपको जो पार्ट फर्स्ट है उसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप पार्ट सेकंड देखोगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस चीजों को स्किप कर देते हैं। मैं आपको बार बार बोल देता हूँ कि अगर आप ऐसा स्किप करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका सिलेक्शन एक बहुत अच्छे से होने वाला होगा। जब भी आप किसी क्वेश्चंस को कवर करते हैं तो उसको विद कॉन्सेप्ट के साथ कवर कीजिएगा। और मैं आपको पहले ही बता रहा था कि आपके पास मेजरली तीन ही सोर्स होने चाहिए। पहला सोर्स होना चाहिए आपके पास एसएससी जेई का पीवाईक्यू, आप बहुत अच्छे से कवर किया होगा। उसके बाद आपने गेट का पीवाईक्यू बहुत अच्छे से कवर किया होगा, और उसके बाद आपने इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू कवर किया होगा। अगर आपने मेरे इन तीनों ही फॉर्मेट को फॉलो किया होगा और मेरे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपका कम से कम 80-90% पार्ट आपका थ्योरी का भी रिवाइज हुआ होगा। क्लियर है? अगर आपके पास टाइम बचता है कि सर यहां से हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, मुझे कुछ और प्रैक्टिस करनी है, तो आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मेरा मानना यही है कि आपके पास ये मेजरली तीन सोर्स है पीवाईक्यू लगाने के, जो सबसे बेस्ट है। इन्हीं पीवाईक्यू को आप विद कंसेप्ट के साथ रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपका कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा, और उस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसको भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं आज के अपने इस सेशन के पार्ट फर्स्ट की। इस पार्ट फर्स्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है इंटरव्यू में, कि सर प्लेट गर्डर क्या होता है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं आपके प्लेट गर्डर की, तो प्लेट गर्डर क्या होता है आपके पास, इट इज द बिल्ट अप सेक्शन। एक बिल्ट अप सेक्शन होता है, और बिल्ट अप सेक्शन क्या होता है, जो आपका एक और एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल एलिमेंट से मिलकर बना होता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, आपका सर प्लेट गर्डर बोल सकते हैं। क्लियर है? तो मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूँ यस सर, प्लेट गर्डर क्या होता है सर, ये एक प्रकार का बिल्ट अप सेक्शन है। क्या है सर? एक प्रकार का बिल्ट अप सेक्शन है, जो किससे मिलकर बना होता है आपका सर, ये मिलकर बना होता है आपके पास वन और मोर स्ट्रक्चरल एलिमेंट से मिलकर बना होता है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट से मिलकर बना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका एज ए बिल्ट अप सेक्शंस बोलते हैं। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं आज के अपने इस सेशंस के पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चंस कब पूछा गया था आपका, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज 1995 के अंदर पूछा गया था। तो देखिएगा जब ये क्वेश्चंस 1995 में पूछा गया होगा, तो आप सभी जानते हैं कि अगर मैं डीएसएस के इंपॉर्टेंट कोड की बात करता हूं, तो वो रहता है सर आपके पास IS 800 1984। बिल्कुल। तो जब ये क्वेश्चंस आपका 1995 में आया होगा, तो उस समय कौन से कोड की स्टडी कर रहे थे, आपके IS 800 1984। बट इसको जो रिवाइज किया गया हो, कब इसको रिवाइज किया गया सर, आपका IS 800 2007 में क्या किया गया सर, इसको रिवाइज किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका इसका फर्स्ट वर्ड नेम होता है, ये इसको क्या इंडिकेट करता है, आपकी कंट्री नेम को इंडिकेट करता है। आईएस बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड। अगर मैं बात करता हूँ ये जो नंबर है आपके पास 800, यानी कि जो भी डिटेल है आपके किसकी, आपके डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की, वो आपको इस 800 नंबर में मिलती है। और 1984 आपका वो ईयर होता है कि जिस ईयर में या तो इसको पब्लिश किया होगा या उसको रिवाइज किया होगा। तो 1984 में आया था, उसके बाद 2007 में क्या हुआ उसका सर, रिवाइज किया गया है। क्लियर है? तो देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा। पहले क्वेश्चंस बोल रहा है कि इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड इन ए प्लेट गर्डर, कि जो आपके पास स्टिफनर्स होते हैं वो आपके प्लेट गर्डर्स में क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स तो दूर की बात है, पहले आपको पता होना चाहिए कि सर ये स्टिफनर्स होते क्या है, हम स्टिफनर्स क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं।
क्लियर है। तो इसका कवर करने से पहले हल्का सा मैं इसका ओवरव्यू भी जान लेता हूं। यहां पे मैंने आपके पास एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा और डायग्राम में आपके पास कुछ एक क्या दिखाई दे रहा होगा, एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं बात करता हूं इसके सेक्शंस की, देखिएगा यहां पर ठीक है, तो ये आपके पास क्या है सर, ये देखिएगा यहां पर, थोड़ा सा यहां से तो नहीं जाएगा भाई है, ये इसका क्या है वेब है और ये इसका क्या है फ्लेंज है। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहला जो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ प्लेट गर्डर, कौन कौन से एलिमेंट है प्लेट गर्डर के, तो एक तो आपके पास सर टॉप फ्लेंज हो गया तो इसको मैं टॉप फ्लेंज लिख सकता हूं, और दूसरा क्या हो गया सर आपका ये बॉटम फ्लेंज हो गया, तो इसको मैं सर क्या लिख सकता हूं आपका बॉटम फ्लेंज दिखता हूं। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं आपके प्लेट गर्डर की, तो प्लेट गर्डर को भी आप ऐसे आई बीम की तरह एनालिसिस करते हो या उसका डिजाइन करते हो। तो अगर आप यहां पे इस सेक्शंस को देखें तो आपको ये कुछ आई सेक्शंस की तरह दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर आई सेक्शंस की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसी को अगर मैं यहां पे अरेंज करके बनाऊं आपके एनालिसिस पर्पस से, तो कुछ बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। तो देखिएगा यहां पर ठीक है, यहां से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ये क्या है सर आपके पास कोई आई सेक्शंस है, ठीक है बिल्कुल। अब आप सभी जानते हैं कि आई सेक्शन में आपके पास दो फ्लेंज होते हैं और एक आपके पास वेब होता है। तो ये तो मेरे पास क्या है सर, ये टॉप फ्लेंज है, तो इसको मैं नाम दे सकता हूं यहां पर, दैट इज टॉप फ्लेंज लिख सकता हूं, क्लियर है। और इसको मैं नाम दे सकता हूं आपका दैट इज बॉटम फ्लेंज नाम दे सकता हूं। कौन सा फ्लेंज हो गया सर, ये आपके पास बॉटम फ्लेंज हो गया है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो मेरे पास ये टॉप फ्लेंज है और बॉटम फ्लेंज है और आपके पास यहाँ पे ये क्या आ गया सर, ये आपके पास वेब आ गया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं इस फ्लेंज पोर्शंस या वेब पोर्शंस को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, यानी कि इस सेक्शंस को अगर मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना चाहता हूँ, तो उस एक्सिस को क्या बोला जाता है सर, उस एक्सिस को आपका न्यूट्रल एक्सिस बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर आपका न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस आपका वो एक्सिस होता है जो कि आपके सेक्शंस को इक्वल एरियाज के अंदर डिवाइड करते हैं। अब इस न्यूट्रल एक्सिस से अबोव का जो पोर्शंस होता है वो आपका किस में रहता है सर, कंप्रेशन में रहता है, और न्यूट्रल एक्सिस के बिलो का पोर्शंस आपका टेंशंस में रहता है। तो इसको मैं लिख देता हूं सर यहां पर दैट इज न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या है सर मेरे पास, ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर मेरा यहां पर क्या लाई करता है सर आपका कंप्रेशन लाई करता है, ठीक है। देखा होगा आपने कि जो आपका लोड जो ट्रांसफर होता है, लोड कहां पे आता है, स्लैब आता है, और स्लैब से कहां जाता है आपका कॉलम में ट्रांसफर होता है। जब आपका कॉलम में ट्रांसफर होता है तो जो आपका ये टॉप फ्लेंज होता है जो आपको एज ए स्लैब आप काउंट कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्या आता है आपका सबसे पहले कंप्रेशन आता है, क्लियर है, ये बात ध्यान रखना है। और जो बॉटम होता है आपका उसमें क्या आता है सर आपका ये टेंशन आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ये बॉटम फ्लेंज लिखूं तो बॉटम फ्लेंज एज ए टेंशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप, और इसको मैं टॉप फ्लेंज एज कंप्रेशन लिख सकता हूँ सर आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, क्लियर है। इसको थोड़ा सा अगर मैं 3D में बनाने की कोशिश करूंगा तो ये कुछ इस तरह से प्रोसीड करेगा आपके पास, बिल्कुल सर इस तरह से प्रोसीड करेगा, इस तरह से प्रोसीड करेगा, ठीक है क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास सपोर्ट है, सपोज कीजिएगा ये आपके पास सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है सर इसके सपोर्ट लगे हैं, ठीक है। मैं आपको जस्ट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्या हो जाए यहाँ पर क्लियर हो जाए, क्लियर है कुछ इस तरह से, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि जो सर ये वेब की जो डेप्थ होती है आपके पास बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर मैं बात करता हूं आपके प्लेट गर्ड के रिस्पेक्ट में, प्लेट गर्डर के रिस्पेक्ट में, अगर सर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास डेप्थ ऑफ दी वेब अगर आपके पास क्या हो सर लेस देन 750 mm हो, 750 mm हो, तो इसको हम क्या काउंट करते हैं सर आपका शैलो प्लेट गर्डर काउंट करते हैं। कौन सा सर, शैलो प्लेट गर्डर काउंट करते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और अगर सर आपके पास डेप्थ ऑफ द वेब क्या हो मोर देन 750 mm हो, अगर 750 mm से ज्यादा हो, तो उसको हम डीप प्लेट गर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं डीप प्लेट गर्डर बोलते हैं, ठीक है बिल्कुल सही। अब क्या होता है कभी कभी स्टूडेंट, कभी कभी जो हमारे पास ये जो वेब की जो डेप्थ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जब ये वेब की बहुत ज्यादा डेप्थ होती है तो ये क्या करने की कोशिश करता है आपके पास कुछ बैंड करने की बकलिंग आती है, इसमें क्या आती है सर आपके पास बकलिंग आती है। याद रखना बकलिंग किसमें फेल होता है आपके पास, सॉरी
वेब किस में फेल होता है आपका, बकलिंग में फेल होता है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होती है आपकी लोकल बकलिंग, तो ये मैं बता सकता हूँ यहाँ पे क्या आ सकती है सर आपके पास लोकल बकलिंग आ सकती है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना। अब जब लोकल बकलिंग आती है तो मैंने आपको ये बताया था कि सर जो न्यूट्रल एक्सिस के अबव का जो पोर्शन है सर यहाँ पे क्या आता है आपका सर कंप्रेशन आता है, तो आप ये कंप्रेशन बता सकते हैं कुछ इस तरह से, ये कंप्रेशन पोर्शन है हो गया आपका। ठीक है, मैं यहाँ पे इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम के साथ चीजें क्लियर हो जाए। और जो न्यूट्रल एक्सिस के बिलो का पोर्शन होता है सर उसमें क्या आता है सर आपका, उसमें टेंशन आता है, तो टेंशन को मैं कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये टेंशन आ गया है, ठीक है, कुछ इस तरह से। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इतना आपको क्लियर हो गया है। क्लियर है, क्योंकि जो लोड जो आएगा आपका आपके पास किसके ऊपर आएगा, सबसे पहले स्लैब में आएगा, और स्लैब आपके पास एज ए टॉप फ्लेंज होगा जिसमें आपका कंप्रेशन आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्राइटेरिया पहले से क्या होना चाहिए सर, क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है, अब क्या होगा कि सर कभी कभी क्या होती है सर इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, अब बहुत ज्यादा डेप्थ होने से क्या होता है वेब में आपका बकलिंग आ जाती है, ये बकलिंग में फेल हो जाता है। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे सर इसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है कि जो आपका ये वेब है ये वेब के अंदर किसी भी प्रकार की बकलिंग क्रिएट ना हो, तो मुझे इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड करूंगा सर, अपने स्टिफनर्स प्रोवाइड करूंगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो स्टिफनर्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपके पास वर्टिकल स्टिफनर्स भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल स्टीफनर्स भी हो सकते हैं। तो देखिएगा, सपोज कीजिएगा मैं यहाँ पे कुछ स्टीफनर्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा, कुछ मेरे पास ये स्टीफनर्स है, एक मैंने ये स्टीफनर्स बता प्रोवाइड कर दिया है, कुछ ये वाला स्टीफनर्स प्रोवाइड कर दिया है, और कुछ आपके पास ये वाले स्टीफनर्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, कुछ इस तरह से स्टीफनर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ये स्टीफनर्स है, ये वर्टिकल स्टीफनर्स है, और ये हमारे पास क्या हो गया सर, ये हॉरिजॉन्टल स्टीफनर्स हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर ये तो वर्टिकल स्टिफनर्स हो गए हैं, अब मुझे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स प्रोवाइड करना है, तो ये मेरे पास क्या हो गए सर, ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों तरह के स्टिफनर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर मैं इनको नाम देना चाहूं तो आप नाम देख सकते हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ये कौन सा स्टिफनर्स है सर आपके पास, सर ये आपके पास वर्टिकल स्टिफनर्स है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप सर दैट इज वर्टिकल स्टिफनर्स। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं स्टिफनर्स की, ये कौन सा हुआ सर आपके पास, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स हुआ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना कि जो आपका टॉप फ्लेंज है वो क्या रजिस्ट करता है, आपके बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। तो आप लिख सकते हैं टॉप फ्लेंज टू रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट, ये क्या करता है, टू रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं वेब की, तो वेब किसको रजिस्ट करता है, तो ये रजिस्ट करता है सर टू रजिस्ट शेयर फोर्स, किसको रजिस्ट करता है, आपके शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है। अब क्या होता है कभी कभी ध्यान रखना कि जो आपका ये टॉप फ्लेंज होता है, आपका बॉटम फ्लेंज होता है, और ये वेब पोर्शंस होता है, कभी कभी हम इसको क्या करता है कनेक्शन भी करना पड़ता है। अब जब हम इनको कनेक्शन करना पड़ता है, तो कनेक्शन आप वेल्डिंग से भी कर सकते हैं, रिविटेड से भी कर सकते हैं, और बोल्टेड से भी कर सकते हैं। जब हम किससे करते हैं सर आपके वेल्डिंग प्रोसेस, तो आपका एलिमिनेट किया जाता है रेलवे वगैरह में, ब्रिजेस वगैरह में, तो हम किसका यूज करते हैं, आपके नट और बोल्ट का यूज करते हैं। जब नट और बोल्ट का यूज करते हैं, तो यहां से क्वेश्चंस ये भी पूछा जाता है कि जो इसका फिलेट वेल्ड होता है, जैसे यहां पे कुछ फिलेट वेल्ड दिया होगा, इसको मैं कुछ फिलेट वेल्ड यहां पे बना देता हूं, ये कुछ इस तरह से फिलेट वेल्ड है भाई। ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, इसका फिलेट वेल्ड कर दिया है। क्या हो गया सर मेरे पास, ये दैट इज फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्डिंग कर दी है। तो फिलेट वेल्डिंग किसके लिए डिजाइन की जाती है सर आपके पास, क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो फिलेट वेल्डिंग भी आप बता सकते हैं आप। ठीक है, शेयर फोर्स के लिए डिजाइन की जाती है इन बिटवीन वेब प्लेट एंड फ्लेंज एंगल्स। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, एंगल मत समझ जाना, मैंने इसको वेल्डिंग कर दिया आपके पास। ठीक है, वेल्डिंग कर दिया है, आप चाहो इसको कुछ नट एंड बोल्ट से आप इस तरह से भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हो गया मेरे पास, और कुछ ये हो गया, अब क्लियर हो गया है।
क्लियर है, इतना आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास ये वर्टिकल स्टिफनर्स होते हैं, वर्टिकल स्टिफनर्स भी आपके पास बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे आपका हो सकता है सर ये एंड स्टिफनर हो सकते हैं, एंड स्टिफनर्स जो आपके सपोर्ट पे प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिएगा, एंड स्टिफनर ये है जो आपके सपोर्ट पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, बेयरिंग स्टिफनर बोलते हैं। जो आपके कहां पे प्रोवाइड किया जाता है, इसको बोला जाता है दैट इज बेयरिंग स्टिफनर। ये क्या हो गया सर आपका, ये बेयरिंग स्टिफनर्स हो गए हैं। और बेयरिंग स्टिफनर्स बोल लो या आपके एंड स्टिफनर, एंड स्टिफनर जैसे मेरे पास ये एंड स्टिफनर हो गया, एंड स्टिफनर्स हो गया, ये कहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ये आपके सपोर्ट पे प्रोवाइड किए जाते हैं। कहां पे सर, आपके सपोर्ट पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। बेयरिंग स्टिफनर्स आपने इनको नाम क्यों दिया, बेयरिंग स्टिफनर मैंने इसीलिए नाम दिया कि जहां पर क्या होगा आपका, जहां पे उसका लोड आ रहा होगा। अब देखिएगा, सपोज कीजिएगा कि यहाँ पे जो लोड एक्ट कर रहा होगा आपके सेक्शंस के ऊपर, सपोज करो यहाँ पर आपका कुछ लोड आ रहा है, तो लोड बेयरिंग स्टिफनर्स भी इन्हीं को नाम दे सकते हैं, ठीक है। आप इनको क्या नाम दे सकते हैं सर, लोड बेयरिंग स्टिफनर भी इनको नाम दे सकते हैं। और जो आपका एंड स्टिफनर है, उसी को हम आपका एंड बेयरिंग स्टिफनर भी नाम दे सकते हैं, क्लियर है। तो ये नाम में भी कभी कभी क्या करता है, वो आपको कंफ्यूज करता है, दैट इज एंड बेयरिंग स्टिफनर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया है, अब हम अपने क्वेश्चंस की स्टडी कर लेते हैं, क्लियर है। तो देखिएगा, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर से पहले आपको एक स्टिफनर्स वर्ड का पता होना चाहिए। तो यहां पे देखिएगा, मैं स्टिफनर्स लिख देता हूं। स्टिफनर्स क्या होता है सर आपके पास, ठीक है, स्टिफनर्स क्या करते हैं, टू प्रिवेंट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि ताकि आपके वेब के अंदर क्या ना हो सर, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ना हो। टू प्रिवेंट दी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके। वहां पे किसी भी प्रकार की लेटरल डिस्प्लेसमेंट ना हो, किसके कारण आपके पास, when section depth क्या हो, जब आपके पास बहुत ज्यादा हो, सेक्शन डेप्थ इज मोर, ठीक है। और क्या करता है सर आपके पास, टू प्रिवेंट द वेब बकलिंग, ये भी लिख सकते हैं, टू प्रिवेंट दी वेब बकलिंग, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था आपके पास सर, टू इंक्रीज द, आप ये भी लिख सकते हैं, इंक्रीज द वेब बकलिंग स्ट्रेंथ, इंक्रीज द वेब बकलिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, क्लियर है। इतना हो गया है सर, तो देखिएगा आपको आंसर मिल गया, इसका बिल्कुल मिल गया है सर। एलिमिनेट करता है आपके वेब बकलिंग को या एलिमिनेट करता है लोकल बकलिंग को। देखिएगा, ये लोकल बकलिंग को तो करता है, बट उसने ये नहीं बताया ये कौन सी बकलिंग है, आपके वेब की बकलिंग है या आपके फ्लेंच की बकलिंग है। तो इसीलिए आपका बी ऑप्शन क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया। ट्रांसफर कनेक्ट कंसेंट्रेटेड लोड, हाँ ये बात सही है कि वो लोड को भी कंसेंट्रेट करता है, ट्रांसफर करता है, प्रिवेंट द एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है सर, एलिमिनेट द वेब बकलिंग। तो यहाँ पर ए इसका क्या हो गया है, राइट आंसर हो गया है। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स की, कि ये स्टिफनर्स जो होते हैं आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं। देखिएगा, जब हम बात करते हैं आपके स्टिफनर्स की, तो स्टिफनर्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, पर दो टाइप के होते हैं। अब ये दो टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, जरा इनको देखिएगा भाई, बोल जी ज्यादा हो गया कोई बात नहीं। ये होते हैं सर आपके पास कुछ वर्टिकल स्टिफनर्स होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कुछ वर्टिकल स्टिफनर्स होते हैं आपके पास, ठीक है, और कुछ हमारे पास हॉरिजेंटल स्टिफनर्स होते हैं, हॉरिजेंटल स्टिफनर्स होते हैं,
ठीक है। अब जो ये मेरे पास वर्टिकल स्टिफनर्स होते हैं, इनको हम और किस नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। वर्टिकल स्टिफनर्स का एक और नाम है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स का भी एक और नाम है। वर्टिकल स्टिफनर्स को हम क्या बोल सकते हैं सर, इसको हम बोल सकते हैं आपका दैट इज ट्रांसवर्स स्टिफनर्स, ट्रांसवर स्टिफनर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स की बात बोलता हूं तो इनको आपके लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स बोला जाता है। कौन से स्टिफनर्स सर, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स बोला जाता है, ठीक है। अब जो ये ट्रांसवर्स स्टिफनर्स है, इनका एक और नाम भी है, क्या बोला जाता है सर इनको, इनको वर्टिकल स्टिफनर बोला जाता है, ट्रांसवर्स स्टिफनर्स बोला जाता है, इट इज आल्सो नोन एज स्टेबिलिटी स्टिफनर्स, इनको आप स्टेबिलिटी स्टिफनर भी बोलते हैं। कौन सा स्टिफनर सर, स्टेबिलिटी स्टिफनर्स भी बोला जाता है। तो ये भी कभी कभी अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। अब इनके हम फंक्शन देख लेते हैं, जो आपके पास स्टेबिलिटी स्टिफनर्स होते हैं और वर्टिकल स्टिफनर्स होते हैं, इनका क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, इट प्रिवेंट द वेब बकलिंग। तो आप लिख सकते हैं इट प्रिवेंट द वेब बकलिंग, ये वेब बकलिंग को प्रिवेंट होने से बचाते हैं, ठीक है, मतलब बकल होने से बचाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे किसकी सर, आपके हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स की या लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स की, तो ये क्या करते हैं सर आपके पास, इट इज इंक्रीज द वेब बकलिंग स्ट्रेंथ। तो ये आप लिख सकते हैं इट इंक्रीज द वेब बकलिंग स्ट्रेंथ, वेब बकलिंग स्ट्रेंथ, क्लियर है, इतना हो गया आपके पास। अब और क्या हो सकता है सर इसके अलावा, अब आ सकते हैं कि जो हमारे पास वर्टिकल स्टिफनर्स होते हैं इसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो हम लिख सकते हैं टाइप्स, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले आता है आपका कौन सा सर, सबसे पहले आता है इसमें आपका एंड बेरिंग स्टिफनर्स, कौन से आता है, एंड बेरिंग स्टिफनर्स आते हैं, ठीक है। एंड बेरिंग स्टिफनर्स के बाद आता है आपका लोड बेरिंग स्टिफनर्स, ठीक है, जहां पे आपका लोड एक्ट करता है उसके नीचे भी आप एक स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं, उसी को लोड बेरिंग स्टिफनर्स बोला जाता है, ठीक है। और लोड बेरिंग स्टिफनर्स के बाद एक और थर्ड स्टिफनर्स होता है आपका इंटरमीडिएट स्टिफनर्स, इंटरमीडिएट स्टिफनर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। अब इनकी लोकेशंस पूछी जाती है आपके एग्जाम में, क्या पूछी जाती है स्टूडेंट, लोकेशंस पूछी जाती है। तो आप सभी को मैंने बताया है कि एंड बेरिंग स्टिफनर्स हो गया आपके पास, और दूसरा कौन सा हो गया सर आपका, लोड बेरिंग स्टिफनर्स होता है, ये कहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं सर, आपके सपोर्ट पे प्रोवाइड किए जाते हैं, कहां पे सर आपके सपोर्ट पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इंटरमीडिएट स्टिफनर्स आपका कहां पे प्रोवाइड किया जाता है सर, ये आपका मिड पे प्रोवाइड किया जाता है, क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स आपके कहां प्रोवाइड किए जाते हैं, ये आपके कंप्रेशन साइड प्रोवाइड किए जाते हैं, एट ए न्यूट्रल एक्सिस और अबव द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, ये आपका पूरी जितनी भी डिटेल थी, जितने भी स्टिफनर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, द थिकनेस ऑफ वेब फॉर अनस्टिफंड प्लेट गर्डर विदाउट क्लियर डिस्टेंस डी बिटवीन द फ्लेंज शैल नॉट बी लेस देन। देखिएगा यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, आपके फॉर अनस्टिफंड प्लेट गर्डर की बात की जा रही है। प्लेट गर्डर आपका अनस्टिफंड कब होगा, तो इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है, तो देखिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन, ठीक है। तो यहां पर मैं दोनों लिखूंगा अकॉर्डिंग टू IS 800 1984 का भी देखेंगे हम, और यहां पर अकॉर्डिंग टू IS जो नया आया है आपका वो भी देख सकते हैं, ठीक है। वैसे नए को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ओल्ड को भी फॉलो कर सकते हैं, क्लियर है। तो देखिएगा यहां पर पहले क्या बोल रहा है कि अगर सर मेरे पास डेप्थ ऑफ द वेब, किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर, द रेशो ऑफ, एक रेशो है आपका
depth of the web to thickness of the web less than equal to 85 epsilon हो, तो आपका ये कैसा होगा सर, ये आपका without unstiffened होगा, without unstiffened होगा, ठीक है। ये भी बताऊंगा, इसको मैं यहां पे बता दूंगा, तो इसको अभी रफ कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। ये क्या होगा आपका, विदाउट अनस्टीफंड होगा, बिल्कुल सर आप बोल रहे हैं इसको कि विदाउट अनस्टीफंड होगा। विदाउट अनस्टीफंड का मतलब क्या है कि यहां पे किसी भी तरह के स्टीफनर नहीं प्रोवाइड किए हो गए होंगे, ठीक है। जहां पे अगर मैं बात करता हूं डी की, डी क्या है सर आपके पास, डी है सर डेप्थ ऑफ द वेब है, क्या है सर, डेप्थ ऑफ द वेब है आपके पास, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं TW, TW क्या है आपके पास, थिकनेस ऑफ दी वेब है, थिकनेस ऑफ दी वेब है आपके पास, क्लियर है। ये हो गया हमारे पास एक क्राइटेरिया। मैं क्वेश्चन के साथ साथ जैसे जैसे क्राइटेरिया आएंगे मैं डिस्कस करता रहूंगा। बी क्राइटेरिया क्या है सर, अगर आप हमारे पास डी बाय TW आपके पास क्या हो, मोर देन 85 हो, 85 एप्साइलन हो, तो आपके पास क्या होगा सर, तो वहां पर ये विदाउट अनस्टीफन नहीं होगा, तो यह क्या होगा सर, वहां पर स्टीफनर इज प्रोवाइडेड, स्टीफनर इज प्रोवाइडेड, स्टीफनर क्या किए जाएंगे आपके सर, प्रोवाइडेड किए जाएंगे, क्लियर है। तो यही पूछा था। और अगर मैं यहां पर एप्साइलन लिखूं तो एप्साइलन आपके पास क्या होता है सर, एप्साइलन होता है आपके पास रूट ऑफ 250/fy होता है, ठीक है, 250/fy होता है, क्लियर है। तो यहां पर देखिएगा कि शेल नॉट बी लेस देन, किससे लेस नहीं होना चाहिए आपके पास सर, डी बाई 85 से लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे क्या पूछा उसने, क्लियर डिस्टेंस, थिकनेस ऑफ दी वेब किससे कम नहीं होना चाहिए सर, आपका डी बाई 85 से कम नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो यहां से आप इस आंसर को क्या कर सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो, आपका आंसर हो गया सर बी। बट जब हम बात करते हैं आपके नए कोड की, मतलब IS कौन से कोड की बात की जा रही है यहां पर सर, IS 800 2007 की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके मुताबिक भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसके मुताबिक अगर मैं बात करता हूं तो जो रेशो है आपके पास, रेशो है आपके पास डी बाय TW, उसको उसने क्या बोला है, उसको उसने K बोला है, ठीक है। तो अगर K की वैल्यू आपके पास लेस देन इक्वल टू है, लेस देन टू इक्वल टू 67 एप्साइलन है, सॉरी एप्साइलन है, तो उस कंडीशन में हम क्या लेंगे, उस कंडीशन में आपका ये क्या होगा सर, विदाउट विदाउट क्या होगा सर, स्टीफंड होगा, स्टीफनर होगा, ठीक है। आप एप्साइलन ऐड कर भी सकते हैं, नहीं तो एप्साइलन की वैल्यू आपके पास 1 ही आती है, ठीक है। और जो यहां पर जो आपका प्लेट गर्डर है, प्लेट गर्डर है, उसको जो डिजाइन किया जाता है, प्लेट गर्डर डिजाइन डिजाइन एज ए ऑर्डिनरी बीम, कैसे किया जाता है सर, आपका ऑर्डिनरी बीम की तरह डिजाइन किया जाएगा। जब ऑर्डिनरी बीम की तरह डिजाइन किया जाएगा तो इस केस में यो सेक्शंस कैसा बन जाएगा सर आपके पास, अनइकोनॉमिकल बन जाएगा। तो जो सेक्शंस रहेगा सर मेरे पास वो कैसा हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो आप क्या चाहोगे कि आपका सेक्शन अनइकोनॉमिकल हो, नहीं हो, क्लियर है। तो ये वाला भी आप प्रोविजन क्या रख सकते हैं, थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं, क्लियर है। क्योंकि अगर ये हो सकता है, अगर वहां पे 67 देता तो आप 67 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी बता सकते हैं। बट क्वेश्चंस कब पूछा था आपका, 1996 में पूछा गया था, और उस समय आपका कोड कौन सा फॉलो होता होगा सर, 1984 वाला फॉलो होता होगा, क्लियर है। तो ये चीज आपको यहां पर अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप कवर करोगे तो आपका टाइम लगेगा, तो ऐसे में क्या करें, अगर इस तरह का क्वेश्चंस आपको पहले से ही क्लियर है तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को कीजिएगा, नहीं तो आप इस क्वेश्चंस को स्किप आउट कर दीजिएगा, क्लियर है। बट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस बोल रहा है एट अ सेक्शन अलोंग द स्पैन ऑफ वेल्डेड प्लेट गर्डर वेयर द वेब इज सप्लाइज, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वेब को सप्लाइज किया जा रहा है द बेंडिंग मूवमेंट के लिए एम, द गर्डर हैज टॉप फ्लेंज वेब एंड बॉटम फ्लेंज प्लेट्स इक्वल एरिया,
the share of the bending moment which would be taken by the slices of plate would be. आपको क्या बताना है यहाँ पर? यहाँ पे आपको बताना है मोमेंट बताना है. किसका बताना है? वेब कि वेब में कितना मोमेंट आ रहा है जब वहां पे हमने क्या प्रोवाइड किया है, वेब स्लाइसेस प्रोवाइड की गई है. ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके पास एक जब हम बात करते हैं सप्लाइसिस की, तो एक आपके पास क्या होता है, फ्लैंज सप्लाइसिस होता है और एक आपके पास वेब सप्लाइसिस होता है. क्लियर है? देखिएगा यहां पे मैं लिख देता हूं कि जो सर हमारे पास सप्लाइस की जिसकी बात करते हैं, तो यहां पर दो तरह के थे हमारे पास. एक सर आपके पास वेब सप्लाइसिस होता है और एक सर आपके पास फ्लैंज सप्लाइसिस होता है. ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आपके वेब सप्लाइसिस की, तो इसमें क्या क्या रजिस्ट करता है? टू रजिस्ट ओनली एक्सियल फोर्स, टू रजिस्ट ओनली एक्सियल फोर्स. ठीक है, ये पॉइंट्स की पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए. और फ्लैंज सप्लाइसिस की बात करते हैं, सॉरी उल्टा लिख दिया है हमने. क्लियर है? यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा जो वेब सप्लाइसिस होता है, टू रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स. ये आपके बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स को रजिस्ट करती है. बट जब आप फ्लैंज सप्लाइसिस की बात करती हैं, तो यहाँ पर ओनली क्या आता है आपके पास, एक्सियल फोर्स आता है, एफ एक्सियल फोर्स. क्लियर है? तो देखिएगा अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूं आपके पास प्लेट गर्डर एज ए, ये मेरे पास फ्लैंज हो गया है सर, बिल्कुल हो गया है, ये उसकी वेब हो गई है, दूसरी फ्लैंज हो गई है. क्लियर है? सपोज कीजिएगा अगर मैं बात करता हूं इसकी डायमेंशंस की, तो इसकी डायमेंशन मेरे पास क्या हो गया है, ये मैं बी ले लेता हूं आपके पास, और ये मेरे पास क्या हो गया है सर, ये आपके पास टी हो गया है, और ये मेरे पास क्या हो गया सर, ये आपके पास फिर आपके पास बी हो गया है सपोज कीजिएगा, और ये मेरे पास यहाँ पर ये क्या हो गया है सर आपके पास, दैट इज टी हो गया है, और ये भी मेरे पास आपके पास दैट इज बी हो गया है, और यहाँ पर इसकी कुछ ना थिकनेस की कुछ ना कुछ वेब होगी, तो उसको मैं टी लिख देता हूँ. ठीक है, टी डब्ल्यू भी आप लिख सकते हैं, वेब थिकनेस. क्लियर है? ये आपके पास फ्लैंज है, तो इसको थिकनेस ऑफ फ्लैंज लिख सकते हो. क्लियर है? ये वेब की विड्थ है, तो ये बी बी भी आपके पास कि जितना आपके पास क्या था फ्लैंज की विड्थ थी, उतनी ही फ्लैंज की क्या थी यहाँ पर सर आपके पास डेप्थ भी थी. क्लियर है? इतना हमारे पास आ गया है, बिल्कुल सही. तो हमें क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है. तो देखिएगा यहाँ पे एक रिलेशन आता है कि मोमेंट ऑफ द वेब, मोमेंट ऑफ द वेब और इनर्शिया ऑफ वेब किसके इक्वल लेना आपको, मोमेंट ऑफ द प्लेट गर्डर बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट गर्डर. मैं यहाँ पे पी पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. पीपी से मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर, ये तो मेरे पास वेब का है और दूसरा हमारे पास प्लेट गर्डर का है. क्लियर है? कुछ इसी के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे. अगर हम बात करते हैं आपके वेब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सर, आपके पास वेब का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हमारे पास होगा सर टीबी क्यू बाई 12 होगा. बिल्कुल सर, तो टीबी क्यू बाई 12 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल. बट जब मैं यहां पर आई की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट गर्डर की बात करता हूं, तो प्लेट गर्डर का जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आपने कैलकुलेट कर लेना है, वो कितना आएगा सर आपके पास, 7 टीबी क्यू बाई 12 आएगा, 7 टाइम्स टीबी क्यू बाई 12 आएगा. क्लियर है? तो आपको क्या निकालना है सर, आपको तो मोमेंट ऑफ दी वेब निकालना है. तो मैं यहां से मोमेंट ऑफ वेब फाइंड आउट कर सकता हूं, यस सर काउंट आउट कर सकता हूं. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा सर, एम डब्ल्यू जो हो जाएगा इज इक्वल टू एम पी प्लेट गर्डर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेट गर्डर इन टू आई पी मल्टीप्लाई बाय आपके पास आई डब्ल्यू. अब देखिएगा प्लेट गर्डर का मोमेंट मेरे पास कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. आईपी मैंने निकाल दिया है, आईपी कितना है सर यहाँ पर, 7 टीबी क्यू बाई 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय आई डब्ल्यू. आई डब्ल्यू क्या है सर आपके पास, टीबी क्यू बाई 12 है, तो आप लिख सकते हैं दैट इज टीबी क्यू बाई 12 है. ठीक है, तो अब जो आपका कैंसल आउट हो रहा है उसको आप कैंसल आउट कीजिएगा. देखिएगा टीबी क्यू टीबी क्यू 12 से ये कैंसल हो गया है, तो यहाँ पे मेरे पास वेब का जो मोमेंट आ गया है वो आपके पास एम पी बाई 12 आ गया है, या इसको मैं बोल सकता हूँ एम बाई 12 आ गया है. क्लियर है? कुछ इसी तरह से है, सॉरी एम बाई 12 नहीं, एम बाई 7 आ गया है. ठीक है, 12 तो आपका कैंसल हो गया भाई, तो ये आपका एम बाई 7 आ गया है. तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है कि
कि वेब का जो मोमेंट आएगा वो कितना आएगा सर, m आएगा, नहीं सर m by 3 आएगा, नहीं सर m by 13 आएगा, सर आपका m by 7 आएगा। क्लियर है, आप इसको निकाल भी सकते हैं। किसका सर, आपके आपके प्लेट गर्डर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दिया है, आपके पास 7 टीवी बाई टीवी क्यूब बाई 12। क्लियर है, बेटर है अगर आप इसको याद कर पाओ। क्लियर है, याद कर पाओ तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर खेल यहाँ पर कोडल प्रोविजन का ही है। क्लियर है, क्योंकि यार इतने कोडल प्रोविजन तो मुझे भी याद नहीं रह सकते हैं, तो मैंने कुछ कोडल प्रोविजन यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखे हैं आपके लिए। क्लियर है, ये क्या बोल रहा है, द अलाउबल शेयर स्ट्रेस इन स्टीफन, अलाउबल शेयर स्ट्रेस की बात कर रहा है, यानी कि किसकी बात कर रहा है, टाओ ए बी की बात कर रहा है, टाओ ए बी इन स्टीफन वेब, किसकी बात कर रहा है, स्टीफन वेब की बात कर रहा है, कि जब आपका वेब क्या है, अब विद स्टीफनर प्रोवाइड किया गया है, तो उस कंडीशंस में आपका अलाउबल शेयर स्ट्रेस क्या होगा, ऑफ माइल्ड स्टील बीम डिक्रीज विद, वो किसके साथ डिक्रीज करेगा। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है, अकॉर्डिंग टू आई एस ये 800 2007 का भी है, और यही कोडल प्रोविजन आपका आई एस 800 1984 का भी है। ठीक है, क्योंकि कुछ कोडल प्रोविजन आपके सेम रहते हैं और कुछ कोडल प्रोविजन आपके क्या हो जाते हैं सर, आपके चेंज हो जाते हैं। क्लियर है, तो देखिएगा पहले तो हम बात करेंगे आपके अनस्टीफन वेब की। देखिएगा अब यहाँ पे जो मेरा वेब हो सकता है, वेब क्या हो सकता है, वो आपका विद स्टीफनर भी हो सकता है, क्या हो सकता है आपका विद स्टीफनर भी हो सकता है, और आपका विदाउट स्टीफनर भी हो सकता है, विदाउट स्टीफनर भी हो सकता है, यही आपने जाना बिल्कुल सही। तो हम सबसे पहले देखेंगे विद स्टीफनर का क्राइटेरिया, सॉरी आपका विदाउट स्टीफनर जिसको आप अनस्टीफन वेब बोल सकते हैं, और देखेंगे फिर विद स्टीफनर का क्राइटेरिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे, आपके परमिसिबल शेयर स्ट्रेस की। तो जब हम आपका वेब क्या हो, अनस्टीफन हो, तो उस कंडीशन में मेरा जो परमिसिबल शेयर स्ट्रेस होगा यानी कि टाओ ए बी होगा, वो क्या होगा सर, 0.4 FY होगा, क्या होगा सर, 0.4 FY होगा, जहां पर FY क्या है आपके पास, यील्ड स्ट्रेंथ है। क्लियर है, अब बारी आती है आपके पास दूसरी, सेकंड क्राइटेरिया आता है सर, जब वो विद स्टीफनर हो, जब वो विद स्टीफनर हो तो उस केस को हम बोलेंगे फॉर स्टीफनर वेब प्लेन। क्लियर है, तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, पहला केस बनेगा कि व्हेन सी इज लेस देन इक्वल टू डी हो। अब सी क्या है यहाँ पर सर, आपके पास सी है स्पेसिंग बिटवीन द वर्टिकल स्टीफनर्स, जैसे हमने डायग्राम में आपको बताया था, ये आपके पास कुछ थे यहाँ पे डायग्राम, तो यहाँ पे जो ये वर्टिकल थी तो इसके बीच में कुछ ना कुछ आपके पास क्या रही होगी, स्पेसिंग रही होगी, जिसको मैं यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर है, और इनकी सर कुछ ना कुछ डेप्थ भी रही होगी, जिसको मैं यहाँ पर डी बोल देता। क्लियर है, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, तो वही हम बात कर रहे हैं इसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कि when c is less than equal to d हो, और d क्या है आपके पास, depth of the web plate है, तो उस conditions में क्या होगा आपके पास, tau va, tau आप बोल सकते हैं tau ab, va नहीं tau va लिख दो आप यहाँ पर, that is tau va permissible average shear stress क्या होगा आपके पास, 0.4 times fy 1.30 minus root of fy इंटू सी बाई टी। अब सी क्या है सर, आपके पास स्पेसिंग ऑफ द वर्टिकल स्टीरअप है, और टी क्या है सर, आपके पास थिकनेस है, टी क्या है सर, थिकनेस ऑफ द वेब है, डिवाइडेड बाई 4001 प्लस 0.5 सी बाई डी का होल स्केयर। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो देखिएगा अगर इस केस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, कि इस रिस्पेक्ट में अगर आपका डेप्थ जितना ज्यादा होगा तो आपका जो परमिसिबल एवरेज शेयर स्ट्रेस होगा वो क्या होगा सर, उतना कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जस्ट सर डेप्थ के बढ़ने से आपका परमिसिबल शेयर स्ट्रेस क्या हो सकता है सर, आपका डिक्रीज हो सकता है। क्लियर है, बट सेकंड केस आता है कि जब आपका क्या हो सर, स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल स्टीरअप इज मोर देन डेप्थ ऑफ वेब प्लेट हो, तो उस कंडीशंस में क्या फॉर्मूला बनेगा, 0.4 FY 1.30 एज इट इज रखना आपने, माइनस FY एज इट इज रखना, सी बाई टी की जगह आपने क्या करना सर, डी बाई टी करना है। डी क्या है सर मेरे पास यहाँ पर, डेप्थ ऑफ द वेब प्लेट है, और टी क्या है सर, थिकनेस ऑफ द वेब है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे भी सर 4000 है, यहाँ पे भी आपका 4000 हो जाएगा, 1 प्लस 0.5 सेम है, अब जहां पे क्या था सर, सी बाई डी था, अब यहाँ पे क्या कर देना सर, आपने डी बाय सी कर देना है। क्लियर है, तो यहां से मुझे क्या रिलेशन बनता है,
कि जैसे जैसे सर आपकी वर्टिकल स्पेसिंग क्या होगी सर, इंक्रीज होगी, तो आपके पास टाउ ए वी क्या होगा सर, डिक्रीज होगा। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि टाउ ए वी क्या हो सकता है आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी हो सकता है, कि आपके सी के बढ़ने से, सी के बढ़ने से क्या हो सकता है आपका एवरेज डिक्रीज हो सकता है। तो यहां पे यही तो बोला है कि जो हमारा अलाउबल शेयर स्ट्रेस कब डिक्रीज होगा आपका, तब डिक्रीज होगा जब आपके पास स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल स्टीरप्स क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीजिंग द स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स, देखिएगा कि ये स्टीरप्स भी कौन सी होगी सर, वर्टिकल, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया सर आपका पास, बी हो गया है, क्लियर है। तो यानी कि उसने किसके रिस्पेक्ट में बात की है, स्टीफन वेब की प्लेट के रिस्पेक्ट में बात की है, हालांकि उसने केस नहीं दिया है, तो केस तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जामिनर पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके कंसेप्ट को भी चेक कर रहा है, क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, assertion और reason का क्वेश्चंस है। यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट थी कि आपका assertions भी सही है और आपका रीजन भी सही है, ठीक है, पहला तो ये स्टेटमेंट होती है। बी स्टेटमेंट की बात बोल रहा हूँ कि assertion आपका सही है बट रीजन आपका करेक्ट, एक्सप्लेनेशन नहीं है आपका, किसका, assertions का, मतलब दोनों सही है ऐसा नहीं है कि आपका assertion भी सही है रीजन भी सही है बट आपके ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप पहले ही जानते थे सी में क्या होता सर, आपका assertion सही है बट आपका रीजन बिल्कुल फॉल्स है। डी की बात कर लेते हैं सर, तो assertion आपका क्या है सर, assertion ही आपका क्या है सर, रॉन्ग है बट रीजन आपका ट्रू है, क्लियर है। तो इस तरह के आपके यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। कब पूछा गया था आपके पास सर, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में 1999 में पूछा गया था। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है assertions में, assertions में बोल रहा है द फ्लेंज एरिया मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर इज एन अप्रोक्सीमेट मेथड। बिल्कुल, अगर मैं बात करता हूँ आपके फ्लेंज एरिया मेथड की, तो फ्लेंज एरिया मेथड क्या आपके पास एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, बिल्कुल सही है। तो assertions क्या है सर, बिल्कुल ट्रू है। रीजन की बात करते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन एंड टेंशन फ्लेंज आर अज्यूम्ड टू बी लीनियरली, नहीं, जब भी हम बात करते हैं आपके एरिया फ्लेंज मेथड में, तो एरिया फ्लेंज मेथड में जो आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनता है एज ए टेंशन फ्लेंज और एज ए कंप्रेशन फ्लेंज, वो कैसा बनता है आपके पास, यूनिफॉर्म बनता है। तो लीनियर की जगह क्या आ जाता सर आपका, यूनिफॉर्म आ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है। तो देखिएगा यहाँ पे assertion सही है बट रीजन आपका गलत है, तो assertion सही है रीजन गलत है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर, सी हो गया है। थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर हम यहाँ पर, आपके मेथड्स की बात कर रहे हैं, कौन सा, फ्लेंज एरिया मेथड्स, फ्लेंज एरिया मेथड, ठीक है। जब हम बात करते हैं आपके फ्रेंच एरिया मेथड की, तो इसी मेथड को हम अप्रोक्सीमेट मेथड बोलते हैं, इसी को क्या बोला जाता है सर आपका, अप्रोक्सीमेट मेथड बोला जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जब सर इसको अप्रोक्सीमेट मेथड बोलते हैं, तो यहां पे क्या होता है सर आपके पास, जो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो चाहे आप टेंशन हो चाहे आपका कंप्रेशन हो, चाहे सर हमारा टेंशन के केस में हो टेंशन फ्लेंज हो, चाहे हमारा सर कंप्रेशन फ्लेंज हो, वो कैसा होता है सर आपके पास, सर वो होता है हमारे पास यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है भाई, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो यहीं से आपको ये ध्यान रख सकते हैं, बिल्कुल सही। तो इस केस में जो मेरे यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस यानी बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो आपके पास क्या होता है, टोटल टेंसाइल फोर्स इंटू डी वन होता है। जहां पे मेरे पास डी क्या होता है, टेंसाइल फोर्स, तो टेंसाइल फोर्स कैसे निकलेगा आपके पास, नेट एरिया ऑफ फ्लेंज, तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ फ्लेंज मल्टीप्लाई बाय, एरिया ऑफ फ्लेंज मल्टीप्लाई बाय परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंसाइल इन टू डी वन, ठीक है, बिल्कुल सर। अगर हम यहाँ पर इनका वन बाई वन बताएं कि सर आपके पास ए एफ क्या है सर आपके पास, तो ए एफ आपके पास नेट फ्लेंज एरिया, ये क्या है सर मेरे पास, नेट फ्लेंज एरिया है,
ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं आपके पास सिग्मा बीटी, तो ये है बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेसेस। ये क्या है सर आपके पास? बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेसेस है। ठीक है, ध्यान रखना। और डी वन क्या है आपके पास? डी वन है डेप्थ ऑफ द प्लेट गर्डर है। डी वन क्या आपके पास? दैट इज डेप्थ ऑफ द प्लेट गर्डर है। क्लियर है? तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो गया है सर? इसका सी इसका राइट आंसर हो गया है। और आपको मैंने यहां पे ये भी बता दिया है कि सर आपके पास अप्रोक्सीमेट मेथड कैसे फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या रखनी है, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, फिर दोबारा से बताऊंगा। क्वेश्चन जितनी बारी रिवाइज होगा मैं उतनी बारी आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, बेयरिंग स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड इन ए प्लेट गर्डर। बेयरिंग स्टिफनर्स जो होते हैं वो आपके प्लेट गर्डर्स में क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सर स्टिफनर्स की। फिर से किसकी बात की जा रही है सर? यहाँ पर स्टिफनर्स की बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो स्टिफनर्स होते हैं सर आपके पास, वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं, दोनों को हम बताएंगे। ठीक है, एक हो सकता है आपके पास सर वर्टिकल स्टिफनर्स होते हैं, वर्टिकल स्टिफनर्स हो सकते हैं, और एक आपके पास सर हॉरिजेंटल स्टिफनर हो सकते हैं। ठीक है, ये आपने बताया अभी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आपके हॉरिजेंटल स्टिफनर्स की, तो इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं सर? आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स बोल सकते हैं। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं आपके वर्टिकल स्टिफनर्स की, तो इनको आप स्टेबिलिटी स्टिफनर भी बोलते हैं। कौन से सर? स्टेबिलिटी स्टिफनर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या नाम है सर इनका? ट्रांसवर्स स्टिफनर भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब ये भी आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं सर? ये भी तीन टाइप्स के होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं आपके पास? अभी मैंने आपको बताए थे। क्लियर है, यहां पे इन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला कौन सा हो सकता है सर आपके पास? पहला हो सकता है सर एंड बेयरिंग स्टिफनर हो सकता है। एंड बेयरिंग स्टिफनर हो गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद सर लोड बेयरिंग हो गया आपके पास, और लोड बेयरिंग के अलावा आपके पास सर इंटरमीडिएट हो गया है। कुछ इसी तरह से थे, बिल्कुल। जब हम बात करते हैं सर आपके किसकी? एंड बेयरिंग स्टिफनर्स की, तो ये कहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं सर? आपके सपोर्ट पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ये और ये दोनों किस पे प्रोवाइड किए जाते हैं सर? आपके सपोर्ट पे प्रोवाइड किए जाते हैं, एट सपोर्ट। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सर ये कहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं? एट सपोर्ट। बट जब इंटरमीडिएट स्टिफनर्स की बात करते हैं, तो ये आपके मिड पे प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर। इसका फंक्शंस क्या है? ये क्या करता है सर? टू प्रिवेंट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप लिख सकते हैं टू प्रिवेंट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, when सेक्शन डेप्थ क्या हो आपके पास? जब ज्यादा हो। ठीक है, तो आपको ये प्रोवाइड करना है। पहला ये हो गया है, और दूसरा फंक्शंस भी मैं लिख दूं यहीं पे। और क्या करता है सर आपके पास? और करता है टू प्रिवेंट द वेब बकलिंग। तो ये भी आप लिख सकते हैं टू प्रिवेंट द वेब बकलिंग। इसके अलावा और भी हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं। और क्या था आपके पास? ये क्या करता है सर? इंक्रीज द वेब बकलिंग स्ट्रेंथ। तो ये भी आप लिख सकते हैं इंक्रीज द वेब बकलिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो देखिएगा, अवॉइड द
लोकल बेंडिंग फेलियर इन फ्लेंज। अब देखिएगा उसने फ्लेंज के बारे में ये नहीं डिसाइड किया है कि कौन सा है आपका टेंट, फ्लेंज में तो नहीं हो सकता है, वेब में ही हम क्या करते हैं स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं तो फ्लेंज तो होगा ही नहीं है। तो यहाँ पे वन दिखाई दे रहा है उस ऑप्शन को आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो। आपको सर ए में वन दिखाई दे रहा था, सी में वन दिखाई दे रहा था और डी में वन दिखाई दे रहा था, बचा कौन सा, एक ही ऑप्शन बचता है वो भी बचता है सर बी, और बी में है सर टू और थ्री। दिखेगा आपने कितने विद इन सेकेंड में आपने अपने आंसर को दे दिया है। आपको अगर आपने पहले से पढ़ा होता ठीक है, अगर मैं नहीं बताता तो आप यहाँ पे उलझ जाते, कंफ्यूज हो जाते, क्लियर है, क्योंकि फ्लेंज में हम किसी भी तरह का स्टिफनेस प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम स्टिफनेस ऑलवेज इज प्रोवाइडेड इन वेब पोर्शंस, ठीक है। तो ये गलत हो गया है। ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट कि टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ वेब, तो मैंने बताया ना कि टू प्रिवेंट द वेब बकलिंग, बिल्कुल। नेक्स्ट टू स्ट्रेंथ ऑफ द वेब, बिल्कुल। ये क्या करता है इंक्रीज द वेब बकलिंग स्ट्रेंथ, बिल्कुल। तो यहाँ पे टू और थ्री आपके पास क्या हो गया सर, सही हो गया है। तो यहाँ पे आपके क्या हो गया सर, इसका बी इसका राइट आंसर हो गया है, क्लियर है, बहुत ईजी था, इजिली हमने सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अब आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोडल प्रिज्म की। ये कब पूछा गया आपके पास सर, ये इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में 2000 में पूछा गया है। अभी भी हम कोड कौन सी स्टडी कर रहे हैं आपके 1984। देखिएगा डीएसएस में बहुत कम कोडल प्रिज्म आपका रिवाइज हुआ है, जो रिवाइज हुआ होगा उसको मैं आपको ऐड करता रहूंगा, क्लियर है। एज पर IS 800 इन द केस ऑफ प्लेट गर्डर विद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स the greater and lesser unsupported clear dimensions of web panel in terms of web thickness TW should not exceed। तो यहाँ पे भी कुछ आप important codal prism देख लीजिएगा, आपको clear हो जाएगा। important codal prism is IS 800 1984 के मुताबिक। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम सबसे पहले आपके पास क्या है कि जो आपके पास मिनिमम स्पेसिंग होती है वर्टिकल स्टिरअप्स की कितनी होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मिनिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनर। ठीक है, तो आपके पास किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए सर, मिनिमम होनी चाहिए 0.33d होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए सर आपके पास 0.33d होनी चाहिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्राइटेरिया, बट जब मैं बात करता हूं आपके मैक्सिमम स्पेसिंग की, स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स वो कितनी होनी चाहिए सर, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो होनी चाहिए सर 1.5 times d। डी क्या है, डेप्थ ऑफ द वेब है, क्लियर है, इतना हो गया है। उसके बाद लेजर क्लियर पैनल डायमेंशन, सी आता है आपके पास लेजर क्लियर पैनल डायमेंशंस। लेजर क्लियर पैनल डायमेंशन जो है शुड नॉट बी मोर देन, सॉरी यार डायमेंशन क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, आपके पास लेसर हो रहा है तो आपके पास 180 t, इससे कम होना चाहिए। बट जब हम बात करते हैं आपके ग्रेटर की, तो ग्रेटर होना चाहिए आपका क्लियर पैनल डायमेंशंस, ग्रेटर होना चाहिए, तो दैट इज 270 t, क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आज उसने यही तो बोला है, पहले उसने ग्रेटर और लेजर तो बोला है, तो ग्रेटर के लिए कितना आएगा सर, पहले ग्रेटर बताना है फिर आपने लेजर बताना है, तो ग्रेटर के लिए 270 t आएगा और आपका लेजर के लिए आपका 180 आएगा। तो t की जगह मैं यहाँ पे TW लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई, नहीं होगी सर, ये मैंने TW लिख दिया। अब TW क्या है सर आपके पास, ये है वेब थिकनेस, ठीक है, TW, तो यहाँ पे लिख देते हैं TW है आपके पास वेब थिकनेस है, ठीक है। और D क्या है आपके पास, D है सर डेप्थ ऑफ दी वेब है, क्लियर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, आपका C हो गया है, क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इन ए प्लेट गर्डर ब्रिज द थिकनेस ऑफ वेब इज लेस देन डी बाई 100। देखिएगा ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका कोडल प्रिज्म। फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट कोडल प्रिज्म अकॉर्डिंग टू IS 800 1984, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर
तो स्टीफनर का है कि जब आपके पास डी बाय टी डब्ल्यू आपके पास क्या हो, लेस देन इक्वल टू 85 हो, और जब सर डी बाय टी डब्ल्यू आपके पास क्या हो, ग्रेटर देन 85 हो, एप्साइलन यहाँ पे लिख दीजिएगा, एप्साइलन है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, उस कंडीशंस में क्या होगा, और यहाँ पर एप्साइलन क्या रहेगा, एप्साइलन क्या रहेगा आपके पास, तो एप्साइलन की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज 250 बाय FY, yield stress, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे पहला केस है सर आपके पास कि सर जब ये है तो ये विदाउट स्टीफनर है, ये क्या है सर आपका, विदाउट स्टीफनर्स है, और ये क्या है सर आपका, ये विद स्टीफनर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, पहला केस हो गया आपके पास बी, ये हो गया है। अब मैं सी पे आ जाता हूं आपके पास, ठीक है। अब आपके पास सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सी में ध्यान रखिए आप, सी में क्या होगा कि अगर आपका 85 और 200 के बीच में हुआ, अगर अगर देखिएगा यहां पर मेरे पास 85 लेस देन इक्वल टू डी बाय टी डब्ल्यू इज लेस देन 200 हुआ, तो उस कंडीशंस में क्या होगा सर हमारे पास, तो उस कंडीशंस में हमें वर्टिकल स्टीफनेस प्रोवाइडेड करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे सर, हमें वर्टिकल स्टीफनर्स प्रोवाइड करने पड़ेगा, और वर्टिकल स्टीफनर्स भी कौन से सर आपके, एज ए इंटरमीडिएट स्टीफनर, कौन से सर, इंटरमीडिएट स्टीफनर, तो आप लिख सकते हैं दैट इज इंटरमीडिएट, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। डी आ गया आपके पास, अगर सर आपका 200 और 250 के बीच में हो, यानी कि 200 इज लेस देन डी बाय टी डब्ल्यू इज 250 के बीच में हो, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, वर्टिकल स्टीफनेस तो रहेगा ही रहेगा। अब सपोज कीजिएगा मेरा जो वर्टिकल स्टीफनेस हो गया उसको मैं ए नाम दे देता हूँ, ठीक है, तो वर्टिकल स्टीफनेस तो रहेगा ही रहेगा सर ए, प्लस इसके साथ में हम और क्या ऐड कर देंगे, आप ऐड कर दोगे हॉरिजॉन्टल स्टीफनर, क्या कर दोगे सर आप, एक हॉरिजॉन्टल स्टीफनर प्रोवाइड कर देंगे, हॉरिजॉन्टल स्टीफनेस प्रोवाइडेड कर देंगे एट ए डिस्टेंस 0.2D फ्रॉम दी कंप्रेशन फ्लेंज, फ्रॉम दी साइड ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज, कंप्रेशन फ्लेंज साइड से, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना, अभी मैं डायग्राम बताऊंगा तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है आपके पास E की, ठीक है। अब ये तो है सर आपका जब 200 और 250 के बीच में है, आज देखिएगा आज क्या बोला उसने, लेस देन बोला अपने कि एक प्लेट गर्डर ब्रिज है, थिकनेस ऑफ वेब इज लेस देन 200 है, यानी कि 85 और 200 के बीच में है, तो उस कंडीशंस में हम वहां पर वर्टिकल स्टीफनेस प्रोवाइड करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका जो केस सेटिस्फाई हुआ वो कौन सा हुआ सर, दैट इज 85 इज लेस देन डी बाय टी डब्ल्यू, डी क्या है सर आपके पास, डेप्थ ऑफ दी वेब है, टी डब्ल्यू थिकनेस ऑफ दी वेब है, इज लेस देन 200 है, तो वहां पे हम सर वर्टिकल स्टीफनर्स प्रोवाइडेड करेंगे, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ई, अब सर 200 से लेकर आपके पास किसके बीच में हो, आपके सर 400 तक हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा देखिएगा, अब सर 250 इज लेस देन डी बाय टी डब्ल्यू इज 400 हो, तो उस कंडीशंस में हमारे पास क्या होगा देखिएगा, अब मैं फिर भी आपको बताऊंगा, देखिएगा वहां पे वर्टिकल स्टीफनेस तो हमें रिक्वायर होगा, तो उसको मैं ए लिखूंगा, साथ में यहां पर जो मेरा हॉरिजॉन्टल स्टीफनर है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टीफनर, वो भी रिक्वायर्ड होगा, तो मेरे पास सर बी भी रिक्वायर्ड होगा, प्लस इसके साथ मुझे तीसरा स्टीफनर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और तीसरा स्टीफनर भी कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल स्टीफनर होगा, तो यहां पर हम लिख देते हैं सेकेंड हॉरिजॉन्टल स्टीफनर, horizontal stiffness is provided at the distance 0.5D from the neutral axis, ठीक है, तो ये भी आपके पास क्लियर हो गया है।
अब आता है सर आपके पास ई कोड, हालांकि इसका मैं आपका नया भी बताऊंगा बट वो आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तब बताएंगे हम, ठीक है। अभी आप ये रखिएगा यार, अगर आपके पास डी बाय टी डब्ल्यू क्या हो जाए सर, मोर देन इक्वल टू और मोर देन 400 हो जाए, तो इस कंडीशंस में क्या करना पड़ता है कि जो सर हमारा सेक्शन होता है उसको हमें रीडिजाइन करना पड़ता है। सेक्शंस को क्या करना पड़ता है सर, आपको रीडिजाइंड करना पड़ता होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा यहां पर मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपको ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मान लेते हैं ये कोई आपके पास एक सेक्शंस है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये आपके पास सपोज कीजिएगा ये सपोर्ट है मेरे पास, क्या है सर ये आपके पास एक तरह से यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है सर, यहाँ पर विद स्टीफनर प्रोवाइड करना है, तो वर्टिकल स्टीफनर्स। तो वर्टिकल स्टीफनर्स का केस क्या है सर कि जब आपके पास क्या होगा 85 और 200 के बीच में होगा तो आपको वर्टिकल स्टीफनर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर देता हूं यहां पे सर, वर्टिकल स्टीफनर्स प्रोवाइड कर देता हूं। तो ये क्या आ गया सर मेरे पास, यहां पर वर्टिकल स्टीफनर्स आ गए हैं, ठीक है। तो वर्टिकल स्टीफनर्स को मैं नाम दे दूंगा ए, तो ये मेरे पास ए हो गया है, ए हो गया है, क्लियर है। सपोज कीजिएगा ये मेरे पास क्या हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस, भी यहाँ पे मार्क कर देता हूं, ये मेरे पास आई सेक्शंस की क्या हो गई है न्यूट्रल एक्सिस हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी 200 और 250 के बीच में हो डी बाई टी डब्ल्यू, तो वहां पे आपको वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्टीफनर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं हॉरिजॉन्टल स्टीफनर्स प्रोवाइड करूंगा एट ए डिस्टेंस 0.2 डी डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर कंप्रेशन साइड से कितने डिस्टेंस तक जाना है मुझे सर, 0.2D पे जाना है। तो 0.2D डिस्टेंस पे मुझे यहाँ पर एक और स्टीफनर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट स्टीफनर्स इज आपके पास हॉरिजेंटल स्टीफनर्स। तो यहाँ पर ये मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया सर, मैंने ये हॉरिजेंटल स्टीफनर्स प्रोवाइड कर दिया है, ये मैं कर देता हूं यहाँ पर आपका हॉरिजेंटल स्टीफनर्स, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्टीफनर्स को क्या नाम दे देता हूं सर, मैं बी नाम दे देता हूं, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट अगर सर 250 से 400 के बीच में हुआ डी बाई टी डब्ल्यू, तो वहां पर आपको सेकंड हॉरिजॉन्टल स्टीफनर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं लो जी सेकंड भी मैंने यहां पे प्रोवाइड कर दिया है, तो सेकंड भी आपने प्रोवाइड कर दिया है एट ए डिस्टेंस आपका कुछ यहां तक। तो इसका जो डिस्टेंस रहा मेरे पास वो कितना रहा न्यूट्रल एक्सिस से सर, वो 0.5D डिस्टेंस पे रहा है, क्लियर है। तो इसको भी क्या नाम देता हूं सेकंड हॉरिजॉन्टल स्टीफनर, इसको मैं सी नाम दे देता हूं। तो ये मेरे पास हो गया है सर सी हो गया है, क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्या देखा है, कुछ अरेंजमेंट देखा है ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर और आपका क्वेश्चंस भी क्लियर। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहां पर ए आपका राइट आंसर हो गया है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, द इफेक्टिव फ्लेंज एरिया इन टेंशन ऑफ ए प्लेट गर्डर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, जहां पर AF क्या है आपके पास एरिया ऑफ ईच फ्लेंज है और AW क्या है आपके पास वेब एरिया है। तो इसको भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर सर इसके किसकी, फ्लेंज एरिया की बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं हम आपके फ्लेंज एरिया की बात कर लेते हैं। तो फ्लेंज एरिया क्या हो जाएगा आपके पास सर, फ्लेंज एरिया हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ फ्लेंज प्लेट प्लस एरिया ऑफ वेब इक्विवेलेंट, एरिया ऑफ फ्लेंज प्लेट प्लेट प्लस एरिया ऑफ वेब इक्विवेलेंट, कुछ इसी तरह से हो जाएगा, बिल्कुल सर यहां पे इसी तरह से हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ फ्लेंज को, मैं एरिया ऑफ एएफ लिख सकता हूं और इसको क्या लिख सकता हूं मैं सर, एरिया ऑफ इक्विवेलेंट, तो एडब्ल्यू लिख सकते हैं यहां पे, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एरिया ऑफ इक्विवेलेंट है तो AWE कर देते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ वेब इक्विवेलेंट। तो एरिया ऑफ वेब इक्विवेलेंट से पहले आपको एरिया ऑफ वेब पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ वेब क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ वेब होता है हमारे पास डी इन टू टी डब्ल्यू, यही होता है सर, बिल्कुल सर यही होता है, क्लियर है। तो एरिया ऑफ वेब इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ वेब इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ वेब बाई 6 हो जाएगा, क्लियर है, इनटू इसको क्या करना आपको 75 तक करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो यहां से कितना आएगा सर आपके पास, तो यहां से आ जाएगा वेब बाय 8 आ जाएगा,
क्लियर है। तो ये आपके पास कौन सा आ गया सर, इफेक्टिव एरिया आ गया है। इफेक्टिव एरिया ऑफ वेब तो आप लिख सकते हैं नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ वेब, तो हम कह सकते हैं नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ वेब, एरिया ऑफ वेब क्या हो जाएगा आपके पास सर, ये हो जाएगा AW/8 हो जाएगा। क्लियर है। तो उसी तरह से अगर मैं ग्रॉस फ्लैंज एरिया लूं, ग्रॉस फ्लैंज एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रॉस फ्लैंज एरिया मतलब टोटल, तो उसमें क्या हो जाएगा आपके पास सर, एरिया ऑफ फ्लैंज हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फ्लैंज आएगा आपके पास एरिया ऑफ फ्लैंज प्लस आपके पास जो ये आया मेरे पास दैट इज AW/6 आ जाएगा। क्लियर है। बट मैं बात करूंगा किसकी आपके पास, इफेक्टिव नेट फ्लैंज एरिया की। तो इफेक्टिव नेट फ्लैंज एरिया की, इफेक्टिव नेट फ्लैंज एरिया क्या हो जाएगा सर हमारे पास, तो ये हो जाएगा सर यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब नेट इफेक्टिव लेना है आपको तो ये हो जाएगा सर AF का, तो AF एजिटेड रहेगा प्लस AW/6 आपके पास क्या होगा इक्विवेलेंट का, तो सर AW/8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर AW/8 हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ टेंशन। तो यहां पर इफेक्टिव नेट फ्लैंज एरिया पूछा आपसे टेंशन में, तो क्या हो जाएगा सर आपके पास AF+AW/8 हो जाएगा, यानी कि सी क्या हो गया सर आपके पास राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एरिया ऑफ वेब आपने निकाला है, तो एरिया ऑफ वेब क्या हो जाएगा आपके पास T×TW/6 हो जाएगा। ठीक है, बट जब आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका 75% उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, तो आपका आ जाएगा।